तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे आपको यहाँ पे दिखेगा रिमाइंडर अबाउट अनसेंड मैसेजेस। अनसेंडिंग मैसेजेस गिव पीपल मोर कंट्रोल ओवर मैसेजेस दे हैव सेंड, दे कैन स्टिल बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स। तो भाई ये ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो भाई इस टॉपिक की किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा भाई जो कोई नहीं कर रहा वो मैं कर लेता हूँ, तो भाई मैंने इसलिए इस टॉपिक की वीडियो को क्रिएट करा। तो अगर आपको जानना है कि भाई ये क्यों लिखा हुआ रखा, क्या इसका रीज़न है, पहले वीडियो में तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चलो भाई मैं आपको बता देता हूँ भाई कैसे कब लिखा हुआ था। तो पहले तो भाई मैं बैक आ जाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर। तो ये मैंने भाई इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, अब मैं आपको चैट में ले चलता हूँ और चैट में भाई मैं आपको चैट पर दोबारा ले चलता हूँ। तो जब भी भाई अपन कोई मैसेज को अनसेंड करते हैं ना, तब अपन को भाई इस टाइप का लिखा हुआ आता है। अब अनसेंड क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखो भाई अनसेंड मैसेज मतलब ये होता है कि अपन जैसे भाई व्हाट्सएप पे रहता है ना कि डिलीट मैसेज फॉर मी या फिर एवरीवन, उसी टाइप का भाई इंस्टाग्राम पे भी रहता है। तो अनसेंड मतलब ये रहता है कि अगर आप खुद के किसी भी मैसेज को अनसेंड करते हो तो आपके फ़ोन से तो उड़ेगा ही उड़ेगा, पर आपने जिसे सेंड किया था उसके फ़ोन से भी वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। पर भाई व्हाट्सएप पे तो ऐसा रहता है कि भाई टाइम लिमिट रहती है कि भाई उतने टाइम के बाद यार वो डिलीट नहीं होता एवरीवन के लिए, पर इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब जब चाहो दोनों के लिए वो मैसेज अनसेंड कर सकते हैं, मतलब उसे डिलीट कर। तो भाई अनसेंड का मतलब ये रहता है, अगर आप लर्न मोर पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मेनली 3 पॉइंट देख रहे हैं। पहले वाले जो अनसेंड है इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट वॉन्ट अदर्स टू सी अ मैसेज एनी मोर यू कैन अनसेंड, मतलब कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपका भेजा हुआ मैसेज आप सामने वाले को और ना देखे तो आप भाई उसे अनसेंड कर सकते हो। अब दूसरे में रखा योर प्राइवेसी इन माइंड, व्हेन अ मैसेज इज अनसेंड इट इज रिमूव फॉर एवरीवन इन द चैट, मतलब कि भाई अगर आप कोई भी मैसेज को अनसेंड करते हो तो आपके फोन से भी रिमूव होगा और सामने वाले के फोन से भी रिमूव हो जाएगा, मतलब जितने भी लोग हैं सबके फोन से वो चैट रिमूव हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट उसमें लिखा हो रिपोर्टिंग, अनसेंड मैसेजेस कैन स्टिल बी रिपोर्टेड, रिपोर्ट एंड टू एन इनक्रिप्टेड चैट अप टू 6 hours after a message is unsent and all other chats up to 14 days after, मतलब कि भाई कोई भी मैसेज अगर आपने अनसेंड करा है फिर सामने वाले ने अनसेंड करा है उसे 6 घंटे तक भाई आप रिपोर्ट कर सकते हो। और भाई ऐसा कोई चैट जो अनसेंड नहीं करा तो उसे भाई आप 14 दिन तक अनसेंड कर सकते हो। तो भाई ये सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब बात ही आती है कि ऐसा अपन को कब लिखा हुआ था, ऐसा अपन को तब लिखा हुआ था अब या अपन या फिर कोई सामने वाला मैसेज को अनसेंड करता है। और भाई ऐसा तब भी आता है जब अपन भाई इंस्टाग्राम को न्यू दोबारा से इंस्टॉल करते हैं या फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टाग्राम अपन को भाई ऐसा शो करता है। तो भाई और कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। तो भाई जितनी भी चीज़ थी भाई आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आए तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है पूछ सकते हो, फिर आपको इंस्टाग्राम पे यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई कमेंट में से पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। सो आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में।